राजस्थान के एजुकेशन फैक्ट्री कहे जाने वाले कोटा से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है इस बार उत्तर प्रदेश के मऊ कस्बे की रहने वाली नाबालिग छात्रा ने 18 सितंबर को सुसाइड कर लिया है राज्य सरकार प्रशासन और कोचिंग संस्थानों के तमाम प्रयासों के बावजूद कोटा में छात्र आत्महत्या के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं बता दें कि पिछले दो हफ्तों में ये आत्महत्या की दूसरी घटना है पिछले दो महीनों में ये आठवीं आत्महत्या है और इस साल आत्महत्या की ये छब्बीस घटना है एडिशनल एस भगवत सिंह हिंगड़ ने फोन आरोप बताया की लड़की ने पॉइजन लिया है बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा उत्तर तो तो प्रदेश की है। नाम तो थी। छात्रा थी वर्ष नाम तो टाइम सर कोटा में पिछले से थी पेरेंट्स से बातचीत तो पेरेंट हुई जरा पेरेंट्स से बातचीत हुई पेरेंट्स उसके खेती करते हैं और ये उनकी बड़ी बेटी थी जो उनके एक, 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 एक बेटा हो रहा है जो उनसे पढ़ता है कोई नोट वगैरह मिला कमरा था। जो कमरा था जिस हॉस्टल जिस फ्लैट में किराए से ले रही थी उस हॉस्टल को हमने शील्ड कर दिया है पेरेंट्स की उपस्थिति में ही उसकी सर्च की जाएगी पिछले हफ्ते झारखंड से कोटा नीट की तैयारी करने आई एक 16 वर्षीय छात्रा ने फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया था कई कोशिशों के बाद भी कोटा में लगातार स्टूडेंट सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं देश भर में स्टूडेंट सुसाइड को लेकर चर्चाएं तेज है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रशासन और कोचिंग सेंटर ने लगातार कोशिश जारी रखी है पिछले महीने ही राज्य सरकार ने इस मामले पर खास बैठक बुलाई थी जिसमें आत्महत्याओं को रोकने पर संवाद नाम का एक चर्चा भी हुआ था हॉस्टल के वार्डन मेस वाले से लेकर टिफिन वालों तक की मदद ली जा रही है कोटा प्रशासन ने हाल ही में हॉस्टल और पीजी में स्प्रिंग वाले सीलिंग फैन लगाने के आदेश भी दिए थे छात्रों से बातचीत करने और पढ़ाई का प्रेशर कम करने पर जोर भी दिया जा रहा है इसके बाद भी आत्महत्याएं घटने का नाम नहीं ले रही है एक तरफ तो उसको नौवी पास दसवीं पास करनी उसका भारत वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है तो दसवीं पास ग्यारहवीं पास बारहवीं अलग करो साथ पैसे तो बढ़ जाता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां है खामियां उसको आप दूर करें सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको बच सकते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय हिसाब से बन जाता है कई बार गलती भी होती है बता दें कि पिछले महीने 27 अगस्त को एक ही दिन में दो छात्रों ने सुसाइड कर लिया था जिससे सब हैरान हो गए थे यहाँ कोचिंग छात्रों की आत्महत्याओं ने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है इस साल की शुरुआत में अब तक हुए 26 छात्रों की सुसाइड की घटनाओं ने राज्य में छात्रों की आत्महत्याओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसके अलावा प्रशासन कई तरह के प्रयास कर रहा है फिर भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है